हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैक्स एंड अकाउंट्स में आपका स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे CMP 08 फॉर्म किसे फाइल करना है। तो मैंने सबसे ऊपर ही अपनी थंबनेल में ही लिख दिया है ओनली फॉर कंपोजिशन डीलर। जो डीलर, जो व्यापारी समाधान योजना में हैं, जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है, वही लोग फाइल कर सकते हैं सिर्फ CMP 08 फॉर्म कंपोजिशन स्कीम वाले। अब कंपोजिशन स्कीम क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। हु शुड फाइल दिस रिटर्न? तो ये CMP 08 फॉर्म कौन फाइल करेगा? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कंपोजिशन डीलर फाइल करेगा। दूसरा, मैंने दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देखिए, मैंने बता रहा हूँ कि CMP 02 फॉर्म जिन्होंने भर के अपना कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट किया है, वो फाइल कर सकते हैं। अब CMP 02 कौन कौन करे होंगे? एक तो मैन्युफैक्चरर और दूसरे आपके सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर के केस में आप लोगों को जो टैक्स पे करना है वो 3% CGST और 3% SGST टोटल टर्नओवर पे करना है, तथा मैन्युफैक्चरर को 0.5 CGST, 0.5 SGST पे करना है। तो ये तीन कंडीशंस हैं। और जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, वो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, ट्रेडर हैं, वो लोग कंपोजिशन ले स्कीम में जा सकते हैं। तो तीन कंडीशंस हो गई। अच्छा, आप कौन कौन से लोग कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं वो भी बता देते हैं। तो एक तो ये मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला एंड टोबैको। तो ये तीन लोग जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आइसक्रीम की, पान मसाला की और टोबैको की, वो नहीं जा सकते हैं कंपोजिशन में। अ पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई, जो व्यापारी इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, वो लोग भी कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते हैं। अ कैजुअल टैक्सबिल पर्सन और अ नॉन रेजिडेंट टैक्सबिल पर्सन, जिनको आकस्मिक इनकम मिलती है वो लोग, और जो लोग नॉन रेजिडेंट हैं इन इंडिया, वो टैक्सबल पर्सन इसमें कंपोजिशन ले भी नहीं ले सकते हैं। बिजनेसेस विथ सप्लाई गुड्स थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। और चौथी कंडीशन क्या है, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं वो लोग इसमें नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा हु कैन ऑप्ट द कंपोजिशन स्कीम। अ टैक्स पेयर हुज टर्नओवर इज बिलो 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, कैन ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम। और नॉर्थ ईस्ट और हिमाचल प्रदेश के लिए अलग स्कीम है, वो 75 लाख रुपए तक है, जो कंपोजिशन लेवी में ले सकते हैं, कंपोजिशन में जा सकते हैं। हु कैन ऑप्ट, कैन नॉट ऑप्ट कंपोजिशन लेवी, मैंने पहले बता दिया है। मैन्युफैक्चरर आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, इंटर स्टेट सप्लाई करने वाले व्यापारी, कैजुअल इनकम वाले, नॉन रेजिडेंट इंडियन और ई कॉमर्स वाले इसमें नहीं जा सकते हैं। तो ये लोग नहीं जा सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या देखा, CMP 08 फॉर्म किसे फाइल करना है। तो सब आप लोगों समझ में आ गया होगा कि कंपोजिशन स्कीम में जो लोग हैं वही लोग केवल फॉर्म CMP 08 फाइल कर सकते हैं, तथा CMP 08 फॉर्म में जो टैक्स पे करना है वो कैसे पे करना है। अब आप लोगों को बताते हैं कि टैक्सेस पे अंडर कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम लेने वालों को टैक्स कैसे पे करना है। पहली कंडीशन है, जो ट्रेडर्स हैं उन लोगों को 1% के हिसाब से टैक्स देना है, केवल केवल टैक्स बिल सप्लाई पे। यहाँ आप दे सकते हैं ओनली टैक्स बिल सप्लाई, नॉट एग्जम्प्ट सप्लाई। तो ट्रेडर्स को केवल 1% देना है टैक्स बिल सप्लाई पे। मैन्युफैक्चरर को 1% देना है, लेकिन एग्जेम्प्ट और टैक्स बिल दोनों सप्लाई पे उसको 1% पे करना है। सर्विस प्रोवाइडर को 3% प्लस 3%, टोटल 6% पे करना है, वो भी टैक्स बिल और नॉन टैक्स बिल दोनों पे करना है। रेस्टोरेंट को 5% पे करना है, टैक्स बिल और एग्जेम्प्ट सप्लाई दोनों पे करना है। तो आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।